जल महल एक सुंदर महल है जो पिंक सिटी जयपुर के मानसागर झील के मध्य स्थित है। इस महल को 18वीं शताब्दी में आमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। ये महल अरावली पहाड़ियों के गर्भ में बसा सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। महाराजा और उनके परिवार के लिए शिकार लॉन्च के रूप में बनवाया गया था। अरावली पहाड़ियों के गर्भ में स्थित ये महल झील के बीचों बीच होने के कारण आई बॉल भी कहा जाता है। इसे रोमांटिक महल के नाम से भी जाना जाता था। जय सिंह द्वारा निर्मित ये महल मध्यकालीन महलों की तरह मेहराबों, बुर्जों, छतरियों एवं सीढ़ीदार जीनों से युक्त दो मंजिला और वर्गाकार रूप में निर्मित भवन है। जल महल अब पक्षी अभ्यारण्य के रूप में भी विकसित हो रहा है। यहाँ की नर्सरी में 1,00,000 से अधिक वृक्ष लगे हैं, जहाँ राजस्थान के सबसे ऊंचे पेड़ पाए जाते हैं। तपते रेगिस्तान के बीच बसे इस महल में गर्मी नहीं लगती, क्योंकि इसके कई तल पानी के अंदर बनाए गए हैं। इस महल से पहाड़ और झील का खूबसूरत नज़ारा भी देखा जा सकता है। चांदनी रात में झील के पानी में इस महल का नज़ारा बेहद आकर्षक होता है। दिन रात 40 माली पेड़ पौधों की देखभाल में लगे रहते हैं। ये नर्सरी राजस्थान का सबसे ऊंचे पेड़ों वाला नर्सरी है। यहाँ अरावली प्लांट, सर्वहेज और क्रिपिर की हजारों विभिन्नताएं मौजूद हैं। जल महल को आँखों को भाने वाले मनमोहक रूप में बनाया गया है। पारंपरिक वृंदावन के नाविकों ने यहाँ राजपूत शैली में लकड़ियों की नाव को भी बनाया है। नाविक ही जल महल ले जाता है। महल में बने रास्तों को भी सजाया गया है और इसके चमेली बाग भी देखने को मिलते हैं, जिसकी खुशबू निश्चित ही मन मोह लेती है। सरोवर के आगे विशाल पर्वत देखने मिलता है, जिसके ऊपर ऐतिहासिक मंदिर और किले बने हुए हैं। और सरोवर की दूसरी तरफ गुलाबी शहर जयपुर स्थित है। जल महल का सबसे आकर्षक खुद सरोवर ही है। 1996 ईस्वी में गंभीर अकाल पड़ने पर तत्कालीन अजमेर के शासक ने पानी की कमी को दूर करने के लिए बांध का निर्माण करवाया था, ताकि पानी को जमा किया जा सके। बांध को बाद में 17वीं सदी में एक पत्थर की चिनाई संरचना में परिवर्तित किया था। यूं तो जल महल का निर्माण 1799 में हुआ था। इसके निर्माण के लिए राजपूत शैली से तैयार की गई नौकाओं की मदद ली गई थी। यहाँ के राजा इस महल को अपनी रानी के साथ खास वक्त बिताने के लिए इस्तेमाल करते थे। चांदनी रात में इस महल का खूबसूरत नज़ारा झील के पानी में देखा जा सकता है। यूँ तो राजा इसका इस्तेमाल रॉयल पार्टी देने के लिए भी करते थे, लेकिन ये कभी जयपुर स्टेट के राजा का घर भी हुआ करता था। कुछ समय के लिए बने इस डैम को 17वीं शताब्दी में पत्थरों का बनाया गया और आज ये डैम तकरीबन 300 मीटर लंबा और 30 मीटर गहरा है। पानी बहाने के लिए आंतरिक 3 गेट का निर्माण भी किया गया है, ताकि जरूरत पड़ने पर खेती के लिए पानी को स्थानांतरित किया जा सके। तभी से ये डैम स्थानिक लोगों से काफ़ी प्रसिद्ध हो गया और इसके बाद राजस्थान के बहुत से शासकों ने समय समय पर इसकी मरम्मत भी करवाई और 18वीं शताब्दी में आमेर के जय सिंह द्वितीय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। जल महल के नर्सरी का विकास महल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए किया गया है। ये नर्सरी राजस्थान का सबसे ऊंचे पेड़ों वाला नर्सरी है। ये वृक्ष यहाँ के वादियों को प्रदूषण मुक्त बनाते हैं। जल महल न सिर्फ आपकी थकान मिटाता है, बल्कि ये आपकी उम्र में इजाफा भी करता है। यहाँ की नर्सरी की खासियत ये है कि यहाँ बहुत से पेड़ हैं जो 150 साल पुराने हैं।